हेलो, आज हम सीखेंगे उत्पाद नियोजन की क्या इम्पोर्टेंस है। इसी इम्पोर्टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि उत्पाद जो होता है 4P का पहला पार्ट होता है। 4P मीन्स प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। फर्स्ट पार्ट जो हमारा आता है वो है उत्पाद, प्रोडक्ट मीन्स 4P का पहला पार्ट। तो 4P जो होता है वो मार्केटिंग का मेन मिश्रण होता है, सम्मिश्रण। बिना प्रोडक्ट के हम बाकी 3P जो होते हैं वो पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक हमारा तारों की तैयार नहीं होते हमारी मार्केटिंग नहीं होती है। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या प्राप्त होगी, इससे वाला बताता हूँ आपको। पहली इम्पोर्टेंस जो है वो है कस्टमर सेटिस्फाई। सिंपल सी बात है, उत्पाद क्या होता है मैं आपको पहले भी बताया था। मैंने कोई भी वस्तु या सेवा जो कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं, कस्टमर सेटिस्फाई कब होगा जब कस्टमर के अकॉर्डिंग उन्हें वस्तुएं दी जाएंगी। और कस्टमर के अकॉर्डिंग वस्तु देने के लिए हमें पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कैसी वस्तु बनाई जाए, उसमें क्या क्वालिटी हो, क्या प्राइस हो, उसका ब्रांड नेम क्या हो, पैकेज कैसा हो, लेबल कैसा हो। जब तक ये निर्धारित नहीं होगा हम किसी भी प्रकार की वस्तु से कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो पहला पॉइंट वही आता है हमारा कि कस्टमर को सेटिस्फाई करने का सबसे बेस्ट जो है, बेस्ट जो होता है वो कौन सा है, प्रोडक्ट प्लानिंग। सेकेंड हमारा आता है कि प्रोडक्ट प्लानिंग में कहता होता है कि उत्पाद का ब्रांड, ब्रांड कैसा हो, ब्रांड ऐसा हो जो किसी दूसरे से मिलता जुलता ना हो, जिसके नाम में ही क्वालिटी छिपी हो, मतलब नाम ऐसा हो कि उसको पहचान हो जाए, आइडेंटिफिकेशन हो जाए। तो कब संभव है, जो पहले से हमने उसको निर्धारित किया हो, चाहे पैकेज की बात हो, अट्रैक्टिव होना चाहिए, प्राइस, डिजाइन, स्टाइल और उसका मेन्यू पिक्चर्स। उत्पाद में सारे तत्व जो होते हैं ये जिसकी मैंने आपको बताए, उनको बनाने से पहले, तैयार करने से पहले, निर्धारित करने से पहले उत्पाद नियोजन करना अति आवश्यक है। उत्पाद नियोजन में ये क्रियाएँ की जाती है प्रतिस्पर्धा का साथ। मार्केट में वस्तु का मूल्य पहले से क्या है, उनकी क्वालिटी कैसी है, क्या कस्टमर उसको पसंद कर रहा है अथवा नहीं, उनकी फैसिंग कैसी है। जब तक हमें जानेंगे नहीं हम मार्केट में कोई वस्तु सेल नहीं कर पाएंगे। तो कॉम्पिटिशन का सामना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है उत्पाद नियोजन, प्रोडक्ट प्लानिंग। प्लानिंग में जो हम निर्धारित करते हैं कि वस्तु का मूल्य कितना डिसाइड किया जाए, कितनी डिमांड है, इसकी कितनी डिमांड के अकॉर्डिंग वस्तु वहाँ पर सप्लाई की जाए, ये सारी बातों का निर्णय यहाँ पर किया जाता है। उसी के आधार पर प्रतिस्पर्धा का सामना संभव है। नेक्स्ट आता है विपणन मिश्रण का। ये मैंने आपको बताया था कि 4P में पहला पार्ट ही क्या है, प्रोडक्ट। जब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तब मिश्रण तैयार नहीं होगा, तब तक 4P संभव नहीं होगा। तो 4P में प्रोडक्ट का मिश्रण बनाने के लिए उसकी क्वालिटी, उसके पैकेज, उसकी लेबल इत्यादि का निर्धारण उत्पाद नियोजन में संभव है। प्रबंध की योग्यता, उत्पाद नियोजन भी बहुत अच्छा होता है तो वस्तु ज़्यादा सेल होती है, कस्टमर सेटिस्फाई होता है। तो इसके आधार पर हम ये बता भी सकते हैं कि प्रबंध की परिचाया है, प्रबंध की कैसा है, उनकी योग्यता कैसी है, उसकी योग्यता अच्छी है नहीं है, इसी जाँच में यहाँ पर संभव हो जाती है। तो प्रबंध की योग्यताओं को जांचने का मापदंड जो है वो भी उत्पाद नियोजन हो सकता है। सामाजिक योग्यता, उत्पाद नियोजन के आधार पर वैसी वस्तु बनाते हैं जो कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं, और कस्टमर को सेटिस्फाई करना ही अपने आप में क्या है, सामाजिक योग्यता है, क्योंकि पूर्ति है कि कम से कम मूल्य में मिले, सही समय पर मिले, सही क्वालिटी वाली वस्तु मिले, उनकी पसंद के आधार पर मिले, ये सारी बातें कहाँ आती है, उत्पाद नियोजन में आती है। उत्पाद नियोजन का एक व्यक्ति प्राप्त होता है कि सामाजिक उत्पादन की पूर्ति हो जाती है। और लास्ट है प्रोडक्ट परचेज, प्रोडक्ट परचेज संबंधी निर्णय डिसीजन, हमें कौन सा उत्पाद वस्तु में कौन सी रॉ मटेरियल में लेना है, हमें वही रॉ मटेरियल चाहिए होगा जो हमें वस्तु को बनाना है। तो उत्पाद नियोजन के आधार पर उत्पाद से पहले की चीजें भी समझ होती है, और उत्पाद के साथ साथ कस्टमर क्या पसंद कर रहा है उसी के लिए हम शामिल कर सकते हैं। और लास्ट होता है उत्पाद विकास, जो उत्पाद नियोजन हो जाता है
वस्तु मार्केट में आ जाती है, कमर्शलाइजेशन हो जाता है, तो समय समय पर कस्टमर के अकॉर्डिंग, पैसे के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस किए जाते हैं, जो कि उत्पाद विकास कहलाता है। उत्पाद विकास तब संभव है जो उत्पाद यूज किया हो, अगर हमारा प्लान अच्छा होगा तो समय समय पर उसमें डेवलपमेंट कर पाएंगे। लेकिन उत्पाद का नियोजन ही अच्छा नहीं है, बिना उत्पाद नियोजन के विकास संभव नहीं है। तो ये अपनी इसकी विशेषता होती है, विशेषता के साथ साथ इम्पोर्टेंस भी होती है, हम इसकी विशेषता भी बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि उस प्रोडक्ट से विशेषता के भी समझ में आते हैं और कुछ इम्पोर्टेंस भी समझ में आते हैं। बताने का तरीका, प्रेजेंटेशन करने का तरीका चेंजेस हो सकता है, अदरवाइज चाहे हम इसकी विशेषता बोले, चाहे इसकी उपयोगिता बोले, चाहे इसके यूजेस बोले, चाहे इसके बेनिफिट बोले, सबके आंसर जरूरी एक ही होते हैं।